स्टॉपलेस के सीरियल झनक में बड़ी बुरी तरह से हुई अर्शी की बेइज्जती। नहीं हुई अनिरुद्ध और अर्शी की शादी। अर्शी ने डाला सारा का सारा ब्लेम झनक पर। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे पंडित जी सारी रस्में करवा देंगे अनिरुद्ध और अर्शी की शादी की, लेकिन जब वो अनिरुद्ध को सिंदूर लगाने के लिए बोलेंगे तब उन्हें याद आएगा कि उन्होंने अनिरुद्ध को कहीं देखा हुआ है और वो सिंदूर लगाने से रोक देंगे। सभी घर वाले अवॉइड करने की कोशिश करेंगे पंडित जी का क्वेश्चन और कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अनिरुद्ध तो कोलकाता रहता है, लेकिन पंडित जी पहचान जाएंगे कि अनिरुद्ध और झनक की शादी उन्होंने खुद करवाई थी और कैसे झनक की जान तेजस से बचाने के लिए अनिरुद्ध ने शादी की थी और वो शादी रियल थी, इसलिए वो ये अनर्थ नहीं कर सकते और उसकी दोबारा ये अर्शी से शादी नहीं करा सकते। पंडित जी को इतना गुस्सा चढ़ता है कि वो हवन कुंड भी बुझा देते हैं। हालांकि यहाँ पर अनिरुद्ध उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता और सारे पंडित जी शादी को बीच में छोड़कर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद अर्शी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अनिरुद्ध उसे कंसोल करता है और बोलता है कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो कुछ नहीं कहा ना, जो कहा पंडित जी ने कहा। जिसके बाद घर वाले फिर भी अनिरुद्ध को बोलते हैं कि वो अर्शी को सिंदूर लगा दे और पंडित जी वापस आ जाते हैं और सारे के सारे पंडित यहाँ खड़े होकर बोलने लग जाते हैं कि उनके मंदिर में ये घोर अनर्थ नहीं हो सकता, ये अपशगुन नहीं हो सकता और एक बार फिर से अनिरुद्ध को अर्शी की मांग भरने नहीं दी जाती। जिसके बाद अर्शी वहाँ से जा रही होती है तो झनक वहीं खड़ी होती है और अर्शी झनक पर बरस जाती है और बोलती है कि झनक तो बहुत खुश होगी क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई अनिरुद्ध से। और झनक बोलती है कि वो क्यों खुश होगी, उसने तो खुद कोशिश की पंडित जी को समझाने की, लेकिन अर्शी फिर भी झनक को काफी कुछ सुनाती है और अर्शी के साथ साथ पीछे विपाशा भी होती है। इतने में पीछे से अनिरुद्ध आता है और वो भी अर्शी का ही साथ देता है क्योंकि अर्शी का दिल टूट चुका है और अनिरुद्ध अर्शी को होल्ड करता है और झनक को सिर्फ देखता है और अर्शी को वहां से बहुत आराम से लेकर चला जाता है। इस सब से झनक का भी दिल हर्ट होता है।